जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू IAS विद हरिमोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, पाकिस्तान अपना एक जैसा भी पड़ोसी है, हम सब उसको क्या संज्ञा दें, एक अलग ही लेवल का, जो पूरी जिंदगी हमारे से जला, पूरा जब से पैदा हुआ, पैदा किया गया उसे, ज़बरदस्ती काट के बनाया गया वो, उसके बाद से दोबारा से भारत के अंदर यूं कहिए कि आतंकवादी भेजने से लेकर दोबारा इसको गजवाए हिंद करने से लेकर न जाने कौन कौन सी मानसिकता से पीड़ित है, और इस तरीके से सिचुएशंस बनाने के लिए हमेशा लगा रहता है कि कैसे भी करके इंडिया को काउंटर किया जाए, ख़त्म किया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। अब ऐसी सिचुएशन में जब चल रहा है मामला कि भाई इंडिया को कैसे भी करके बर्बाद किया जाए, ऐसे में आज के दिन पाकिस्तान का एक नया नया दोस्त है, नाम है अजरबैजान। अजरबैजान के साथ इंडिया के सिचुएशंस पहले बहुत अच्छे थे, अब खराब हो गए। पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की गोद में बैठ गया, यूं कहीं पाकिस्तान के साथ ही मिल गया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इंडिया ने एक चाल चली, चाल चलने की वजह से आज के दिन उस अजरबैजान की धज्जियां उड़ चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं। मामला क्या है इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, टॉपिक है यहां पर के मामला क्या, दो देश जिसका नाम आर्मेनिया अजरबैजान। मामला ये कि यहां अपना प्यारा इंडिया, और इंडिया के बाद यहां अगर आप देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहां एक देश है जिसे नॉर्मली टर्म दिया जाता है साउथ काकेशस। काकेशस एक माउंटेन रेंज है जहां से, अच्छा मजे की बात यह है कि जो आज के दिन इंडिया में आर्यन रेस है, जिसमें मैं हूं और संभवतः ज्यादातर संभावना है आप भी होंगे, ये आर्यन रेस इसी काकेशस रेंज से ही निकली है। इसलिए वहां के लोगों की, अगर आप नेटिव जो काकेशस काकेशियंस हैं उनकी अगर शक्ल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे टिपिकली इंडियंस ही हैं और इंडियन से बातें हो रही है, मतलब शक्ल इंडियन है, बाकी तो देखो लैंग्वेज डिफरेंस आ ही जाते हैं। अब यहां साउथ काकेशस के अंदर दो बड़े देश हैं, बहुत छोटे छोटे देश हैं, एक का नाम है अजरबैजान और दूसरे का नाम है आर्मेनिया। अब यहां ये मैप पे आ चुके हैं दो, अजरबैजान कैपिटल बाकू, ये याद रखिएगा, पीटी का फैक्ट पॉसिबली हो सकता है, और बाकू एक ऐसी कैपिटल जो कि कैस्पियन सी के अंदर मौजूद है, ठीक है, लैंडलॉक्ड सी है कैस्पियन सी। इसका एक बॉर्डर मिलता है आपका ईरान से अजरबैजान का, एक बॉर्डर छोटा सा अगर आप देखोगे तो टर्की से भी मिलता है क्योंकि अजरबैजान का एक हिस्सा यहां पर भी है, एक बॉर्डर इसका जॉर्जिया से मिलता है, एक रशिया से मिलता है, और सबसे ज्यादा जो खतरनाक सिचुएशन है वो है आर्मेनिया के साथ। आर्मेनिया एक रेस है, आर्मेनियन उन लोगों का नाम है, अप्रॉक्सीमेट 30 लाख के करीब यहां पर पॉपुलेशन रहती है, बहुत ज्यादा बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। अब समस्या क्या है यहां पर कि आर्मेनिया एक ऐसा देश यहां पर मौजूद है जो टर्की ने इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर आर्मेनियन मसैकर कहा जाता है, यहां आर्मेनिया के 15 लाख लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस डर से मार दिया कि कहीं ये रशिया का साथ ना दे दे, समझिए कहीं ये रशिया के साथ में ना खड़े हो जाएं, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 लाख आर्मेनियंस को मारा गया। और खास बात ये कि टर्की से कहा जाता, भाई माफी तो मांग ले, तूने मारा, कहता ना मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो किया बिल्कुल ठीक किया। ये एटीट्यूड जो कंट्रीज का है, और मजे की बात दुनिया को यही एटीट्यूड पसंद आता है क्योंकि इसके मामले में हर कोई चुप रहता है। इंडिया को क्रिटिसाइज करना आसान है क्योंकि इंडिया रिएक्ट नहीं करता, ये लोग रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो अब इनके सामने बोलते हुए सबकी गिग्गी सी बनती है। अब हुआ क्या, आर्मेनिया, अच्छा टर्की टर्क्स हैं, अजरबैजान के अंदर टर्क्स, और यहां पर आर्मेनिया में क्रिश्चियंस हैं। ये एक मेन पार्ट है कि आर्मेनिया में क्रिश्चियंस हैं, टर्की में टर्क्स हैं, अजरबैजान के अंदर टर्क्स हैं। अब यहां कलेश क्या है, दोनों के दोनों अजरबैजान और टर्की जो हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। अच्छा टर्क्स के अंदर अजरबैजान में शिया हैं और
तुर्की के अंदर सुन्नी है, और उससे ज्यादा मजे की बात यहाँ ईरान है, ईरान के अंदर, ईरान के अंदर भी शिया है, लेकिन ये ईरानियन अपने आप को आर्यन रेस मानते हैं। यहां पर शिया जो हैं वो भाई भाई ना होकर रेस यानी टर्क्स जो हैं ये भाई भाई हैं। इंडिया के मुसलमानों को समझना चाहिए, इंडिया का 95% जो मुसलमान है वो रेस में इंडियन है। वहां धर्म मायने कम रखना चाहिए, कल्चर मायने ज्यादा रखने चाहिए, जैसे कि आपको आर्मेनिया और अजरबैजान और टर्की में दिखाई दे रहा है। टर्की भी, अजरबैजान शिया है, टर्की सुन्नी है, शिया सुन्नी का आपस में खूब कलेश है, लेकिन फिर भी अजरबैजान और आर्मेनिया दोस्त है। शिया शिया भाई भाई होने चाहिए, लेकिन शियाओं की आपस में सिर्फ डबल जबरदस्त है। क्रिश्चियन और मुस्लिम्स आपस में दुश्मन होने चाहिए, लेकिन आर्मेनिया और ईरान जो है वो दोस्त हैं। यहां साफ नजर आ रहा है कि धर्म भाड़ में गया, पहले देश की सुरक्षा मायने रखती है, और तीन मुस्लिम देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए धर्म और जो एथनिसिटी है उसको उठा के फेंकते हैं और अपना काम करते हैं। यहां ये चीजें मायने रखती हैं, यहां इसे समझ लीजिए। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इंडिया ने सबसे पहले प्लान बनाया कि भाई देखो हमारे साथ मामला ये है, प्लान ये है। हमने क्या किया, इंडिया ने बहुत सिंपल सा प्लान बनाया कि इंडिया से जहाज चलेंगे, ईरान होते हुए बाकू पहुंचेंगे, और बाकू से ये लोग कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए और बाल्टिक सी वगैरह के अंदर एंटर कर जाएंगे। बिल्कुल सही मामला है। यहां पर मजे की बात ये, बाकू यानी सुषमा स्वराज मैडम गई थी, बाकू जो था वो समझ भी गया, बाकू ने इंडिया को सपोर्ट भी किया सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन कहीं और बैठी हुई होती है। अपना एक नाजायज कंट्री पाकिस्तान, पाकिस्तान को अमेरिकन्स ने, चाहे अमेरिका और ब्रिटेन ने, कोल्ड वॉर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाया, और जैसे एक नाजायज बालक हो उसे बार 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 ये समझाया जाए तेरा बाप घटिया है, तेरा बाप घटिया है, तेरा बाप घटिया है, तुझे तेरे बाप से लड़ना है, तुझे तेरे बाप से लड़ना है। पाकिस्तान के साथ यही माइंडसेट है, पाकिस्तान के अंदर बचपन से यह समझाया गया, इनको शुरू से यह समझाया गया कि जो कुछ भी करना है इंडिया के अगेंस्ट करना है, और इंडिया को हराने के लिए कुछ भी करो वो सबसे आगे। ऐसे में पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं एक इस्लाम का जो परचम है वो लहराओ, या इस्लाम का नाम लिया, इस्लाम का गीत गाया, सब चीजें। नतीजा उसका ये रहा कि कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा करने में ये हमेशा से कामयाब रहा। नतीजा ये रहा कि असलियत में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ हमारा मैप अगर आप समझेंगे तो अलग ही लेवल पर एक कहानी निकल कर आती है। कहानी क्या निकल कर आई दोस्तों, कहानी ये निकल कर आई कि यहाँ पर एक देश चाइना, भाई ऑब्वियस सी बात है, चाइना ने बनाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना ने बनाया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरी दुनिया के अंदर हम क्या करेंगे, रोड्स का नेटवर्क बिछाएंगे, और इस रोड्स के नेटवर्क के अंदर ही हम लोग आगे जो है बढ़ेंगे। ये सिंपल प्रोसेस। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर ये आई कि इंडिया ने प्लान बनाया, जैसे कि मैंने अभी बताया, बंदर अब्बास से तेहरान, तेहरान से बाकू, बाकू से तुर्कमेनिस्तान, और उसके बाद कजाकिस्तान होते हुए यूरोप के अंदर एंटर करने का प्लान बनाया। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला प्लान जो कि इंडिया का अल्टरनेट प्लान था वो चाइना के इंटरेस्ट्स के खिलाफ था, और पाकिस्तान अमेरिका का एक दोस्त, चाइना का एक दोस्त। अब खेल क्या हुआ यहां समझिए, चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि यार तू एक अलग ही लेवल की दोस्ती कर। नतीजा उसका यह रहा कि पाकिस्तान के अंदर जब इमरान खान आया, इस इमरान खान को भड़का दिया गया या कुछ भी था, और बहुत ही बेवकूफाना हरकतें जो कर रहा था ये, इसने क्या किया, तुर्की यानी टर्की के एर्दोगान के साथ अपना एक दोस्ताना व्यवहार बनाया और एक एक्सेस बनाई जिसके अंदर टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान। असलियत में ये जो एक्सेस टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान की है, ये इस तरीके से है कि यहाँ अजरबैजान और टर्की को सबसे ज्यादा फायदा है कि यहाँ पर जो आर्मेनिया है वो इसका दुश्मन है,
आर्मेनिया इसका दुश्मन है। इसी तरीके से इंडिया और पाकिस्तान आपस में दुश्मन है, और यहां पर चाइना जो है अजरबैजान को भी। अच्छा, मजे की बात यह कि यहां सेंट्रल एशिया के अंदर चाइना जो है वो अपना इंफ्लुएंस रखता है, यानी कैस्पियन सी तक चाइना का अच्छा खासा इंफ्लुएंस बढ़ चुका है। चाइना का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस यहां तक बढ़ चुका है। अब यहीं से सिस्टम को आपको समझने की जरूरत है। टर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान। टर्की को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए है ताकि यहां सीरिया और इराक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को दूर करना होगा। तो टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है ताकि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से दूर हो। सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ जाने की तैयारी के अंदर है, नतीजा उसका ये, क्योंकि इंडिया बड़ा बायर है भाई ऑयल का, और इंडिया को किसी भी मामले में नाराज नहीं किया जा सकता। तो सऊदी अरेबिया इंडिया के फेवर में जा रहा है, तो पाकिस्तान टर्की के। ऐसे में अजरबैजान जो है वो नेगेटिव हो चुका है इंडिया के। ऑब्वियस सी बात है, एक्सिस बन गया तो अजरबैजान जो है वो इंडिया के नेगेटिव हो गया। इंडिया ने जो बाकू वगैरह के लिए जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बनाना था वो थोड़ा सा खिसका के आर्मेनिया से होते हुए। ईरान ऐसी ही कोई दोस्ती चाहता है। अब यहां आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई किस चीज की है? एक इलाका है जिसे कहा जाता है नागोर्नो काराबाख। इस नागोर्नो काराबाख इलाके के अंदर अगर आप देखोगे तो ये रहा, ये जो रेड रीजन है ना दोस्तों, ये रेड रीजन है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख पे कब्जा है अजरबैजान का, लेकिन रहते हैं आर्मेनियंस। इस एरिया को लेकर दोनों देशों के बीच में लड़ाई है। 2020 के अंदर खूब लड़ाई हुई दोनों के बीच की, 3 महीने की लड़ाई चली, और उसके बाद हॉस्टिलिटी लगातार चलती चली जा रही है। 1990s में जो लड़ाई हुई इसमें आर्मेनिया और अजरबैजान, आर्मेनिया ने अजरबैजान को खूब मारा। अजरबैजान की पॉपुलेशन 1 करोड़, आर्मेनिया की लगभग 25-30 लाख के आसपास की। इस बार अजरबैजान तैयारी के अंदर बैठा था, टर्की से खूब बढ़िया ड्रोन्स लिए और अजरबैजान ने आर्मेनिया को धज्जियां उड़ा दी। अब आर्मेनिया एक नए दोस्त की तलाश में है, रशिया पीछे हट चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया बिल्कुल नहीं चाहता आर्मेनिया और अजरबैजान के पचड़े में फंसे और इस इलाके में अपनी पकड़ को कमजोर करे। यहां पर हुआ यह, यहां सबसे मेन बात यह हुई, जैसे ही आर्मेनिया अजरबैजान का मामला यहां पर क्रिएट हुआ, इन्होंने यहां पर सिचुएशंस लड़ाई की जो मतलब क्रिएट हो चुकी हैं, यहां इंडिया को मिल गया मौका। इंडिया कहता है बेटा अब मैं बताता हूं अजरबैजान तुझे, क्योंकि अजरबैजान जैसे ही पाकिस्तान की गोद में बैठा उसने कश्मीर को, कश्मीर मामले में पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब आप सोचकर देखिए, अगर पाकिस्तान को आप खुलकर सपोर्ट कर रहे हो तो हालत क्या होगी? इंडिया को गुस्सा आएगा। यहां पर अगर आप देखोगे तो यहीं से जैसे हमने बताया कि टर्की के अंदर तुर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान की एक एक्सिस बन रही है, तो वो सारे पास में आ रहे हैं। यहां इंडिया ने, क्योंकि इसको वो मतलब अजरबैजान ने कश्मीर को सपोर्ट किया और ये कहा कि पाकिस्तान को हर मामले में सपोर्ट करेंगे इंक्लूडिंग कश्मीर, जब इस तरीके की खबरें आने लगी इंडिया कहता रुक जा अभी बताता हूं, हैव पेशेंस। इंडिया ने कुछ नहीं किया, आर्मेनिया को हथियार प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, गोला बारूद प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और सबसे मजेदारी वाली बात यह है कि एक तो जैसे ये खबर सुनेंगे, इंडिया जो है सुकोई 30 फ्लैंकर्स के फाइटर जेट, फाइटर पायलट्स को ट्रेन करने की तैयारी कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात, अभी जो कलेश आया, आर्मेनिया जो लड़ाई हारा उसके पीछे का रीजन था उसके टर्की के ड्रोन्स, क्योंकि वो सुसाइडल ड्रोन्स थे, जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। आर्मेनिया को समझ में आया कि यहां ये मिसाइलें उसके काम आएंगी, मिसाइलें बरसाई गायब हो गए, फिर मिसाइलें बरसाई गायब हो गए, फिर मिसाइलें बरसाई गायब हो गए। अब आर्मेनिया जब स्ट्रांग पोजीशन में और शॉर्ट रेंज मिसाइल से लेकर दूसरी मिसाइलें इंडिया देने के लिए तैयार है, ले भाई कितनी चाहिए तुझे और बता। ये रहा वेपन ट्रांसफर्स और वेकअप कॉल जो भी है। अब आर्मेनिया खुंदक में है, अजरबैजान गुस्से में है, कह रहा है इंडिया को, कह रहा है कि भाई साहब आपने ऐसे कैसे कर दिया, आप हमारे को जो है हमारे लिए खतरा है एंड ऑल। इंडिया कहता है भाई तूने क्या किया, कश्मीर मामले में चुप रह जाता तो क्या समस्या थी, लेकिन ना तूने उंगली करी मैंने हाथ कर दिया, अब तेरे को भी समस्या है, वो तो हम भी जानते हैं समस्या है, उस समस्या का हमारे पास कोई समाधान नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने।
यही एक कारण है कि इस टाइम पाकिस्तान का ये जो दोस्त है ये रोया हुआ है और घबराया हुआ है, क्योंकि आगे जब लड़ाई होगी तो इंडियन वेपन्स वहां बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे और जो रशियन ड्रोन्स और जो टर्किश ड्रोन्स हैं वो फेल होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।